होर ना कोई, होर ना कोई जी, होर ना कोई, होर ना कोई, होर ना कोई, होर ना कोई। होर ना कोई, होर ना कोई, होर ना कोई, होर ना कोई। साडा संतां बाजों जी, होर ना कोई, होर ना कोई, साडा संतां बाजों जी, होर ना कोई, होर ना कोई, साडा संतां बाजों जी। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया, तुदू मानी महामान हो, विद्या के विचार हो, के अदैव अवतार हो, के सिद्धता की मूर्त हो, के शुद्धता की शान हो, के जोबन के काल हो, के काल हो, के काल हो, के सत्रण के सूल हो, के मित्रण के प्राण हो। चक्र चेहन वरण रूप तेरा, तकिया ना जावे माल का। चक्र चेहन वरण रूप तेरा, तकिया ना जावे माल का। चक्र चेहन वरण रूप तेरा, वरण रूप तेरा, वरण रूप तेरा, लख्या ना जावे माल का। चक्र चेहन वरण रूप तेरा जी, लख्या ना जावे माल का। चक्र चेहन एह तन वेची संत पह प्यारे, प्रीतम देह मिलाए, सूख सिंगार फिकिया के फीके, ताज छोड़ी मेरी माए। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, सतगुर चरणी पाए, जो जन राते राम सिंह प्यारे, अंत न काहू जाहे। हर रस जिनी चाखिया प्यारे, तृप्त रहे अकाए, अंचल गया साधका नानक, पैसागर पार पराए। मेरी साधुआ दे नाल विहारे, होवेंगे दयाल मालका, साधुआं दे नाल विहारे, होवेंगे दयाल मालका। मेरी साधुआं दे नाल विहावे, नाल विहावे, नाल विहावे, होवें
दयाल मालका मेरी साधुआं दे नाल विहावे होवें जे दयाल मालका होवें जे जी 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 दयाल मालका चकर चेहन वरण रूप तेरा जी साधुआं दे नाल होवें जे दयाल मालका मेरी साधुआं दे नाल विहावे होवें जे दयाल मालका अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर हे महारस जन है पियो जन्म जन्म के चूके पैतारे दुर्त बनास्यो परम बियो दर्शन पेखत मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर तन मन मेरा ठार थियो तुमरी कृपा पियो साध संग हो काज तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिख्या पई खियो सुख निदान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मोहे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कलयुग साध संगत कीर्तन गाइए नानक नाम धार हियो जी मैं बहड़ जन्म ना आवा एहो मेरी बेनती गुरा बहड़ जन्म ना आवा एहो मेरी बेनती गुरा जी मैं बहड़ जन्म ना आवा जन्म ना आवा एहो मेरी बेनती गुरा जी मैं बहड़ जन्म ना आवा एहो मेरी बेनती गुरा एहो मेरी जी बेनती गुरा एहो मेरी जी बेनती गुरा जी मैं बहड़ जन्म ना आवा जन्म ना आवा
एहो मेरी बेनती गुरा बहड़ जन्म नावा एहो मेरी बेनती गुरा मेहमाना जान है वेद ब्रह्मे नहीं जान है भेद अवतार ना जान है अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत सच्चा अमर सची पातशाही रब दे प्यारियां दी सच्चा अमर सची पातशाही रब दे प्यारियां दी सच्चा अमर सची पातशाही सची पातशाही जी सची पातशाही रब दे प्यारियां दी सच्चा अमर सची पातशाही रब दे प्यारियां दी रब दे प्यारियां दी जी रब दे जी प्यारियां दी जी रब दे प्यारियां दी जी रब दे जी प्यारियां दी सच्चा अमर सची पात जी सची पातशाही रब दे प्यारियां दी सच्चा अमर सची पातशाही रब दे प्यारियां दी मेहमाना जान है वेद ब्रह्मे नहीं जान है भेद अवतार ना जान है अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत सतकर्तार सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ तुदे आगे अरदास हमारी सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना ना जाने मेरा दाना बिना दाना बिना दाना बिना जी तू है दरिया ओ मेरा दाना बिना जी Thank you.
बीबिया बोलिया गुरु भाई दाना बिना दाना बिना दाना बिना जी तू है दरिया ओ मेरा दाना बिना जी दाना बिना दाना बिना दाना बिना दाना बिना तू है दरिया ओ मेरा दाना बिना जी दाना बिना मैं मछली कैसे अंतल हां जय जय देखा तै तै तू है तुझ ते निकसी फूट मरा ना जाना मैं ना जाना जा दुख लागे ता तुझे संभाली तू भरपूर जानिया मैं दूर जो कछ करी सो तेरे हदूर तू देखे हो मुकर पाओ तेरे कामना तेरे नाए जेता देते ताहो खाओ ब्यादर नाही के दर जाओ नानक एक है अरदास जियो पिंड सब तेरे पास आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज मियानो आपे आपे विखे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुकम सोई परवानो नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद कहो नानक हे जगत में किन जपियो गुरमंत्र जे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दे जे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा सतगुरां दे तू जन्म तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दे तू जन्म मरण तो डरदा शरणी पै जा संतां दे तू जन्म मरण तो
चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सत गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग एहो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे किस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक ताके बल बल जासा जैसी उपजी सी नवाई उमरां सारी रब दे प्यारे आने जैसी लाई सी नवाती उमरां सारी रब दे प्यारे आने रब दे जी 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 प्यारे आने लाई सी नवाई उमरा सारी नवाती उमरा सारी बा तेरे प्यारे आने दिलाई सी नवाती उमरा सारी बा तेरे प्यारे आने कबीर जैसी उपजी पेट ते जो कैसी निभ है ओड़ हीरा किसका बापुरा मुझे नाल तन करोड़ पाक छड़े हर संत तुम्हारे जिन कर धन हर नामा प्रवान गणी से ये आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कै होम बल जाई केसा का कर जबर टुलावा चरण तूण मुख लाई जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैण मिलाए सच्चा अमृत सच्ची पातशाही
सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तन जाते बखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन पीस कमावा नानक की प्रपास बिनती तेरे जन देखन पावा वाल सखाइया दे गीत जिंदे नी तेनू छोड़ चले वाल सखाइया दे गीत जिंदे नी तेनू छोड़ चले बाल सखाइया दे गीत जिंदे नी तेनू छोड़ चले बाल सखाइया दे गीत जिंदे नी तेनू छोड़ चले जो उपजे सो बिनस है नानक हर गुण गाए छाड़ सगल जंजाल हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की संत हमारी ओट सतानी संत हमारा नैना मेले दा साधु गहना है प्यारियो औखे वेले दा साधु गहना है प्यारियो हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की चरना संत हमारी ओट सताणी संत हमारा कहना साधु मोया दा भी साथ नवाउंदे ने दुनिया छड़दी जूंदियानू साधु मोया दा भी साथ नवाउंदे ने दुनिया छड़दी जूंदियानू साधु मोया दा भी साथ नभाउंदे ने दुनिया छड़दी जूंदियानू साधु मोया दा भी साथ नभाउंदे ने दुनिया छड़दी जूंदियानू प्यारे जी दुनिया छड़े जूंदियानू प्यारे ओ दुनिया छड़दी जूंदियानू साधु मोयां दा भी साथ नवाउंदे ने दुनिया छड़दी जूंदियानू साधु मोया दा भी साथ नवाउंदे ने दुनिया छड़दी जूंदियानू नानक कचड़े आसो तोड़ ढूंढ सजन संत पकिया
ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ ਆਓ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੱਤੀ ਮਰਦਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਰਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਦੀ ਜੋੜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਮ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੋਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੱਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਰਸਰ ਕਰਦੀ ਰਾਤ ਠੰਡ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਤਰੇੜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੱਬੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਸੰਗ ਮੰਜਾ ਟਿਕਾਇਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੱਬੀ ਖਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰੋਣ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਭਾਰਾ ਆਇਆ ਭਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਡਰਦੀ ਸੀ
चौधरी जगते तो जे असी गुरु महाराज के दर्शन करांगे तो सानू कलाड़ी च पीड़िया जाऊगा, जिस तरह मोती राम महरे नू महरे की शहादत हो गई कलाड़ी दे विच पीड़ता पे इन्हें साहबजाद दुध पिलाया। डरदा मारा गुरु के दर्शन करना आवे कोई दरवाजे विच ही जरूर झाकिया भी कलगीधर पातशाह जा रहे ने, हुण सिख किवें किवें बचदा जी, दर्शनां तों बिना बचदा ही नहीं, जिवें मच्छी पानी तों बिना नहीं बचदी सिख किवें बचदा। भाई भारा मां नूं कहिंदा मां सरीका ने तां मार देना, चलो कलगीधर पातशाह दे जाके दर्शन करिए, गज के आखो सतनाम। पर कोल कुछ ना, कोई आटा ना दाणा ना पातशाह नूं खाण वास्ते की लिजावांगे। मां कहिंदी पुत तेरे वास्ते दुध रखिया होया, उह दुध दी काढ़नी लै चल। दुध दी काढ़नी लिया के सकारजोग गुस्सा सिंह तड़के अद्धी रात कलगीधर पातशाह दे सामने रखी। मां ने कहा पुत तुसी आपे ही प्यास ला लैंदे हो, आपे ही भुख ला लैंदे हो, सानू नमाजो दुध पुण छकना करो। कलगीधर पातशाह ने आप दुध छकिया, भाई गनी खां भाई नब्बी खां भाई दया सिंह धर्म सिंह मान सिंह नूं छकाया। भाई भारा रोण लग गया, कहिंदे भार भाई तेरा नाम की है? कहिंदा मेरा नाम जी बहुत वड्डा। कहिंदे तेरा नाम की है जी? कहिंदा मेरा नाम बहुत वड्डा। कहिंदे दस तां सही पातशाह। कहिंदे रोई क्यों जाना? कहिंदा जी मेरा नाम भारा है। कहिंदे भारा, फिर पातशाह ने गलवक्कड़ी च रह गया, कहिंदे तू साडा भारा मर लैगा अज के आखो सतनाम। पिंड की इज्जत रख ली सतकार जोग सतसंग जी। उधर जगता चौधरी गया पैल नूं सुनेहा देण, मारिया मर गया, घोड़े ने घीस लिया नाल ही सतकार जोग सतसंग जी डिग पिया घोड़े तों। पिंड वालिया ने अपने गेट भनते आके कलगीधर पातशाह के दर्शन किए, जिस तरह हुण आपां कर रहे हां दसां गुरू जगदी जोत दे। कहिंदे भारिया डरना, तेरी तौड़ी दे विच 40 मण रोज का नूण रिझिया करू, तेरी औलाद इन्नी वधजूगी। ते कलगीधर पातशाह ने यह वर दिता। फिर जो नगर निवासी आ गए, कहिंदे महाराज सानू भी निशानी दिओ। कहिंदे जिहड़ा साडा जंड दा दरख्त है, कहिंदा आह सी दातन गड्डी है, यह बहुत बड़ा दरख्त हो जूगा, यह आसान प्रगट हो जूगा, इत्थे साडा सिख आके सानू प्रगट करेगा, गज के आखो सतनाम। ओ सिख धन धन बाबा हुती मरदान वाले ने सेवा लाई, धन धन बाबा अतर सिंह जी महाराज रेड़ू साहब वाले ने उन्हां दे जाके दर्शन किते। तोपखाने चो सतकार सोच पटियाले तो सतकारयोग सतसंग धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज ने, ते सतकारयोग सतसंग बस दर्शन करके मन शीतल हो गया जी, दर्शन करके 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 सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी, मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली। जदों धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज ने आके दर्शन किते, कहना धन धन बाबा अतर सिंह महाराज रेड़ू साहब वालियां दे, बस गदगद हो गया मन। कहिंदे बाबा जी तुहाडे कोल ही रहना, ते बाबा अतर सिंह महाराज रेड़ू साहब कहिंदे वी गल सुन लै सिखा, नौकरी कर पहलां, असीं वी नौ कटाउणा चाहुंदे सी पर नहीं, फिर आपां नूं इधर उधर झाकणा पऊगा, पैसे दी जरूरत हर एक नूं है, तू नौकरी करो फिर पेंशन लै के आ जी। पर सतकार जोग सतसंगी मन विराग भया, दर्शन देखने का चाहो पर कित्थे दिल लगदा सतकार जोग सतसंग जी। इसे तरह
सेवा करते करते फिर दस दिन छुट्टी लैके आ गए, घोड़े की सेवा कर लग गए। जोड़े फौजी से ना फौजी सारे बिशन सिंह रौनी वाले और गुरबख्श सिंह लाल सिंह होनी, इन्होंने बाबा जी ने बाबा अत सिंह महाराज ने घोड़ी लैके देती। तो बाबा किसी सोना महाराज ने वो घोड़ी की सेवा करया कर सरकार सत सिंह, तो घोड़ी उन्हें बड़ा प्रेम करते ही बाबा जी ना। तो सरकार सत सिंह इस तरह सेवा की, फिर दयालपुरे कहना दयालपुरे उत्थे संतां महात्मा का कट सी मिर्जे वाले दयालपुरे मिर्जे के बठिंडे इलाके दे विच, उत्थे संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले ते संत बाबा अत सिंह जी मस्तूआं वाले महाराज ताबिया च बैठे से, जिस तरह हुण सरपंच साहब चौर साहब कर रहे ने गुरु महाराज ते, इस तरह धन धन बाबा अत सिंह महाराज मस्तूआं वाले चौर कर रहे सी गुरु महाराज नूं। ते बड़ियां संगतां ने आके अकोत्र सौ अकोत्री चल रही 100 अखंड पठां दी सरकार सतसंग जी, ते बहुत संत महात्मा आए हुए 100 तंदूर लग्या होए 100 तंदूर प्रशादा बनाउण वास्ते भी संगतां नूं गर्म गर्म प्रशादा छकाउण, ते तवियां भी 100 तव लगियां हुई, बहुत बीबियां प्रशादा बनाउण वालियां सरकार सतसंग जी, बड़े बड़े कड़ाहे चढ़े हुए। तां उत्थे संत बाबा बबीहा भाई तो आ गए सतगुरु सतसंग जी महापुरश, उन्हां को सतगुरु सतसंग बहुत संगत जुड़ती सी, 550 उन्हां दा तैयार किया होया सी संगतां दे बराजण वास्ते भी संगतां आके राम करिया करन 550। ते सतगुरु सतसंग कोत्तर सौ चलदा सी, ते गौरमेंट नूं पता लग्या कि इत्थे बहुत लोग गलत लोग आके ठहरन लग गए, कि लंगर पानी 24 घंटे चलदा सी, उन्होंने डराउणा कीता संगतां नूं। ते जिहड़े सेठ सी गर्मी का समां सी खंड दियां बोरियां भेजी जांदे सी, पानी दी सवीलां लगियां हुईयां सी सतगुरु सतसंग जी, गौरमेंट कहिंदी वी मंजे मुंजे कट्ठे करो, आम हुंदा है संतां महात्मां नूं चंगा नहीं समझदे हुंदे जिहड़े मनमुख हुंदे ने, आम पहलां तों ही सतगुरु सतसंग मुगल सरकार लड़दी आई 10वें पातशाह दे नाल, पातशाह सच ते सतगुरु पहरा दिंदे सी, मुसलमान भी उहनां दे सतगुरु सतसंग बहुत नेड़े सी, गनी खां नब्बी खां वरगे होर अपने मुहम्मद शेर मुहम्मद मेरे घोड़े वाले देखो हाँ का नारा उन्होंने मारिया जदों छोटे साहबजादियां नूं नीहां चिणिया जा रहा सी, कहिंदे ओह कहिंदे मुगलां दी जड़ पट ली विजदिया कहता कहिंदे तां कहिंदे सीर खोर बच्चों का की कसूर है छड़ दे इन्हां नूं, कहिंदे तूं लै फड़ लै तेरे भरा नूं उन्होंने मारिया, कहिंदा नहीं मैं आप बदला लऊंगा पातशाह ते, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह मिलणगे, कहिंदा ये सीर खोर बच्चे दुध चुंगदे ने छड़ दे इन्हां नूं क्यों जड़ पटदा। इस तरह सरकार गुस्सा चीख मारी शेर मुहम्मद ने, कचहरी चो बाहर निकल गया सरकार गुस्सा सिंह, वह हा का नारा हुण तक सिखां दे याद है, सरकार गुस्सा सिख तो भुलदे ने हुण भी, जिहड़े मलेरकोटले वाले ने सरकार गुस्सा सिंह जी उन्होंने सिख साढ़े प्यार करते ने गज के आखो सतनाम। तो गौरमेंट ने कहा चको मंजे मुंजे अपने, क्योंकि इत्थे संतां दा कट हो जांदा फिर उत्थे जिहड़े निंदक ने सरकार गुस्सा सिंह चुगली कर देंदे ने, पा बाबा जी कहते भी ऐ करो मंजे कट्ठे कर दियो असी लै जाने हैं, जो मंजे कट्ठे करके साथ समान जाके बाबा जी ने तीली लाती सारे साड़ते, हुण सेठ डर गए सारे सेठ डर गए भी असी खंड भेजांगे सानू गौरमेंट ना फड़ लवे। तो उत्थे सतकार योग सत सिंह बाबा किशन सिंह जी महाराज गज के आखो सतना, जिन्हां दी आपां सलाना जात विच आपां कट्ठे होए हां, ये नलका गेड़दे सी नलका थले कड़ाहा रख्या होया सी, कहिंदे वी खंड तां आउणी सेठ मुकर के खंड देण तों हुण की करिए, बाबा जी कहिंदे कड़ाहे दा पाणी ओह मिठा गज के आखो सतना, बाबा जी दसदे ने 3 दिन नलका गिड़ी गए मिठा पाणी आउंदा रहा गज के आखो सतना। तू तां केड़ियां रंगां दे विच खेडदा मैं की जाना तेरी सार नूं, तू ता केड़ियां रंगां दे विच खेड़दा मैं की जाना तेरी सार नूं, प्यारे जी मैं की जाना तेरी सार नूं, प्यारे जी
मैं की जाना तेरी सार नू तू ता केड़ियां रंगां दे विच खेड़दा मैं की जाना तेरी सार नू तू ता केड़ियां रंगां दे विच खेड़दा मैं की जाना तेरी सार नू साध की महिमा वेद ना जाने जेता सुने तेता वख्याने साध की उपमा त्रह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा मूहते पूजते उची साध की शोभा मूहते मुची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई एह जे जेड़े धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज ते कालपुरख वाहिगुरु विच भेद नहीं हुंदा सतगुरु सतसंग जिहड़ा इहनां दा फुरना हुंदा है उह कालपुरख वाहिगुरु आप दूर कर दिंदे ने गज के आखो सतनाम ते नौकरी तों रिजाइन कीता ते पातशाह आके सेवा दे विच जुट गए ते नाले बाबा धन धन बाबा इसत सिंह जी महाराज ये भी उत्थे सेवा च सी सतगुरु सतसंग जी सेवा करदे करदे फिर 9 माघ नूं सतगुरु सतसंग उह संत बाबा अतर सिंह बाबा जी रेड़ू साहिब वाले ज्योति जो समाउंदे ने फिर 9 वाग नूं सतकारयोग सासियां रड़ा साधी झिड़ी चा के बह जांदे ने धन धन बाबा इसत सिंह महाराज ते धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज ते बाबा अतर सिंह महाराज ने बांह फड़ाती बाबा इसत सिंह महाराज कहिंदे वी अपने साथी दा साथ नहीं छड़ना गज के आखो सतनाम बस बड़ी सतकारयोग सतसंग जी महिमा धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज दी मैं संगतां नाल थोड़ा समां लऊंगा इतिहास तो बहुत लम्मा है सतकारयोग सतसंग जी भाई रजिंदर सिंह होए ने किला रायपुर दे इन्हां दी भैण सी सतकारयोग सतसंग पाल कौर एक कुढ़ाणी व्याही हुई सी सतकारयोग सतसंग जी इन्हां दे बच्चे ने जन्म लेना सी जोशियां ने डॉक्टर ने दस दिता भी इहदी लड़की होनी है ते लड़की होनी है हस्पताल दे विच भारी है लड़की कहिंदे बीबी डर गई पाल कौर किवें करिए रासां करन भी महाराज मैनू हस्पताल ना जाना पवे क्यों हस्पताल महंगे भी बहुत सी सतकारयोग सतसंग के हुण भी बहुत महंगे ने भी महाराज हस्पतालां ने सानू पता नहीं की करना की टीका ला देना बीबी बहुत डरे ते सतकारयोग सतसंग उन्हां ने देखिया भी हुण की चारा करिए तां दस्सिया गुरु प्यारिआं ने कहिंदे धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज दे कोल जाके अरदास करो अरदास गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु अरदास कीती कहिंदे बई बाबा जी कहिंदे तुहानूं कोई हस्पताल जाण दी लोड़ नहीं लो असीं भचंगी अपने नूं तुहाडे घर भेज दिंदे आ गज के आखो सतनाम बोले सोनिहाल जिहड़े डाक्टर कहिंदे सी ना लड़की होऊगी जिहड़े सियाणे सी कहिंदे सी लड़की हो सतकारयोग सतसंग फिर भजंगी ने जन्म लिया उस लड़की दे गज के आखो सतनाम ते नाले मैं संगतां नाल वचन सांझा करां भई गुरचरण सिंह लत्तां वाले इन्हां दा लड़का सी जोगिंदर सिंह इन्हां दी सतकारयोग सतसंग जोगिंदर सिंह दे घरवाली दे कितें सियाणे तों पुछिआ कुड़ी हो गई किसे टूणा टंबण कराया दूजी कुड़ी हो गई फिर किसे नूं पुछिआ तीजी कुड़ी हो गई फिर किसी ने बीबिया ने दसिया नहीं फलाना पंडित बड़ी पुछा दिंदा नहीं उहदे कोल चले जाओ बीबिया हुण हुंदा जिहनूं दसदियां ने उहदे कोल चले गई वह भी कहते भाई तुहाडे लड़का हो चौथा चौथी गुड्डी होगी 9 कुड़ियां होईआं 9 कुड़ियां ते सतकारयोग सतसंग तुसीं देख लो भी की हाल हो परिवार का किवें बच्चों सामभदे होणगे 9 बच्चियां ते खीर ते किसी गुरसिख प्यारे ने दसना किया कहिंदे राड़ा साहब जाओ राड़ा साहब धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज जोत जगाउंदे ने उत्थे
आप अकाल पुरख के नाल मिले हुए हैं। जिस तरह हुण बाबा मनजीत सिंह जी ने देखो रोही दे विच बैठे ने, कित्थों कित्थों संगतां ने आके स्थान की सेवा की है। मैं देखिया पत्थरे पत्थर लग्या पिया भी ऐ लगता मैनूं तां भी जिवें बाबा मनजीत सिंह कोई पारस हुंदा भी पारस ला लैंदे ने पित्तल नूं सोना बन जांदा हैगा जी के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते कहा संगतां ने किसी गुर जिहड़ा प्रेमी हुंदे ने जिहड़े विश्वास वाले सतिकारयोग सतसंग जी उन्हां ने दस्सिया बाबा किशन सिंह महाराज अगे अरदास करो जाके। तां सतिकारयोग सतसंग भाई जोगिंदर सोहना ने अरदास की भी महाराज नौ बच्चियां ने, नौ बच्चियां मेरे भी उन्होंने वीर नूं भेजना करो अज के आखो सतना। बस महाराज ने वचन करते, कहिंदे इन्ना चिर कित्थे रहा, कहिंदे महाराज होरे पासे फिरदा रहा, कहिंदे जा गुरु महाराज मेहर करनगे गुरु नानक पातशाह जाके नमस्कार कर दे तेरे अगले साल सतिकारयोग सतसंग भजंगी पैदा होवेगा अज के आखो सतना। नौ कुड़ियां दे उपर सतिकारयोग सतसंग बाबा जी दे बचनां दे नाल बच्चा पैदा होया गज के आखो सतनाम। ते नाल ही सतिकारयोग सतसंग जी जगत सिंह हलवारे दा उहदा जिहड़ा लड़का सी काफी चिर हो गया ब्याह होए नूं कोई बच्चा ना होया, नौ दे सतिकारयोग सतसंग जी बहुत जगह इलाज कराया हस्पतालां दे विच, 11 साल हो गए बच्ची की कोई उम्मीद ही ना रहे भी बच्चा होगा। ते नाल आंढी गुआंढी कहण लग गए दूजा ब्याह करा लो मुंडे नूं, कहदे उह कहिंदा वी दूजा ब्याह नहीं कराउणा वी बच्चा हुंदा नहीं हुंदा ना सही। तां अखीर नूं गुरूं प्यारां ने दसणा कीता वी बाबा किशन सिंह महाराज को जाओ रड़ा साहब, जदों आपां गेट पड़दे हां कि ना गेट पड़दे नाल ही स्थान है खब्बे हत्थ नूं, मैं तुहानूं अपना वी अपना प्रकरम दसां वी मेरा भतीजा काका गुरमीत आ प्रताप चौंक चक्की चलाउंदा मशीन लाई हुई आटे वाली, ते गुरमुख है परिवार साडा, उहदा मूँह बिंगा हो गया। आम हुंदा ब्याह मूँह बिंगा वाले अपने आपां दमदमा साहिब जाने आ उत्थे दसवें पातशाह दा जिहड़ा सीसा सीगा ना दस्तार चाहुंदे हुंदे सी उह सीसा उत्ते पिया, जिहड़ा उह सीसे दे विच मूँह देख लैंदा कोई बिंगा मूँह आ सिद्धा हो जांदा सतिकारयोग सतसंग। हुण वी पातशाह दी 300 साल हो गया, 300 साल तों उपर करामात वर रही है। उदों दास नूं ज्ञान नहीं सीगा ते माता जी ने कहा भी बाबा जी कोल लै जाओ गज के आखो सतनाम, ये बाबा जी आपे ही प्रेर दिंदे ने। जिवें हुण जत्था आया भाई लहरा साहब आए ने, भाई जगजीवन जी रात दे नींदे ने उत्थे बरवाली गए हुए सी सतिकारयोग सतसंग बाबा जी कोल, ते प्रयोजन बनदा सी प्रयोजन भी जाके दर्शन करिए तां आपे ही फोन आ गया लहरा साहब दा भी आ जाओ भाई आपां इत्थों जाके बाबा जी दे दर्शन करने ने गज के आखो सतनाम। ये विधना होंगी सतिकारयोग सतसंग, माता जी कहिंदी पुत इहनू भतीजे नूं ऐ कर बाबा जी को लै जा। मैं बाबा जी को लै गया इत्थे आ जो रड़ा साहब वड़दे आ आपां दर्शन करदे आ अंदर खब्बे हत्थ बाबा जी कुर्सी लाई बैठे सी धन धन बाबा किशन सिंह जी महाराज। बस मैं जाके दर्शन किते मन खुश हो गया, मेरे तो अरदास ना कर हो बाबा जी को, वह कहें तू दस भी किवें आया बई। मैं अपने भतीजे नूं मूहरे करता, मैं बाबा जी कहिंदे की होया इहनू, इन तां कुछ नहीं होया। मैं जी तां मूँह बिंगा होया होया, कहिंदे कौन कहिंदा बिंगा होए सीधा मूँह है, कहिंदे इधर देख बई, कहिंदे गुरु महाराज वल देख, कहिंदे लो बाबा जी देख लिया, कहिंदे इधर देख इधर देख, कहिंदे इधर देख गुरु महाराज वल, मूँह सीधा हो गया गज के आखो सतनाम। बोले सोनिहाल जानी इस तरह सतिकारयोग सतसंग बाबा जी के बचन से, जिस तरह हुण संगतां आके बाबा मनजीत सिंह नूं मिलदियां ने आके चरणा च नमस्कार करदियां ने, वह कितें अपने नाल जोड़दे ने कितें अपने नाल जोड़दे ने, कहिंदे वी गुरु अगे अरदास कर गुरु महाराज अगे गुरु नानक मेहर कर देणगे गज के आखो सतनाम। इस तरह ही सतिकारयोग सतसंग सेवा सिंह भमरा खन्ने तो सतिकारयोग सतसंग जी, इहदे वी सतिकारयोग सतसंग कई लड़कियां हो गईआं 23-3-77 नूं सतिकारयोग सतसंग इहनां दे लड़का पैदा होया लड़कियां दे उपर ची सतिकारयोग सतसंग। ते फिर सतिकारयोग सतसंग भाई मलकीत सिंह उन्हां दे सतिकारयोग सतसंग 3 लड़कियां पैदा हो गईआं, बच्चा ही ना कोई होया, घर दे विच कलेश पै गया भाई नहीं जी बच्चा होया नहीं दूजा ब्याह करा लो जी इहनूं छड्ड दिओ, आम घरां दे विच कलेश पै जांदा। फिर महापुरशां को आउंदे ने महापुरश
जुगती दस देंदे ने। नाम जपण दी जुगती बाबा जी मेरे दस दे, बाबा जी मेरे दस दे। नाम जपण दी जुगती बाबा जी मेरे दस दे, बाबा जी मेरे दस दे। नाम जपण दी जुगती बाबा जी मेरे दस दे, बाबा जी मेरे दस दे। नाम जपण दी जुगती बाबा जी मेरे दस दे, बाबा जी मेरे दस दे। मिलती है किवें मुक्ति, मिलती है किवें मुक्ति, मिलती है किवें मुक्ति, मिलती है किवें मुक्ति। अरे नाम जपण दी जुगती बाबा जी मेरे दस दे, बाबा जी मेरे दस दे। नाम जपण दी जुगती बाबा जी मेरे दस दे, बाबा जी मेरे दस दे। साधु महात्मा जिहड़ा सेवा च लग जांदा है, धन धन बाबा तथेदार मिंदर सिंह जी, बाबा जी ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਉਸਾਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਾਰਜ ਉਸਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਘਲਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਓ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਓ ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਦੇ ਟੋਕਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਰੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਪੜੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆ ਸੋ ਤੋੜ ਤੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੱਤ ਪਕਿਆ, ਹੋਏ ਜ ਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा कहना। मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता, मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोटे अग हरे, मैल खोई कोटे अग हरे, निर्मल पे चेता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, निर्मल पै चेता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, महमा साधु संग की सुनो भगत गोविंद की कीट हसती जीता, जो जो की नौ आपनो तिस्य बदान दीता। खोई
उठे अग हरे मैल खोई उठे अग हरे निर्मल पै सीता मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीठा मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीठा सिंह बिलाई होए गे ओ तृण मेरे दखी था श्रम करते दम याद को ते गणी तनी था आग हरे मैल खोई उठ आग हरे निर्मल पै चीता मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीठा मेहमान पवन बढ़ाई कह सको बेंत गणी था कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर्शरी था सुनो मेरे मीता सुनो मैल खोई उठ आग हरे मैल खोई उठ आग हरे निर्मल पै चीता मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता मेहमान गुरबाणी पढ़दियां गुरबाणी दा कीर्तन करदियां अनेकां प्रकार दियां गलतियां हो जांदियां ने दास अनजाण है संगत बख्शन योग है सारी संगत दा धन्नवाद महापुरशां दा धन्नवाद विशेष तौर ते धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिन्हां ने कृपा कीती सो दास ने हाजरियां भरियां इतनी क हाजरी प्रवान करनी जी दियो शीस बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋਏ ਹੇਟਤ ਜਪਿਆ ਨਾ ਗੈਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਦੇ जी जय
Thank you.
लंका गढ़ सुने का पया मूर्ख रावण क्या ले गया कैद कबीर पर गुण विचार चले जवारी दो चार लंका थी कूट समुद्र की खाई ये रावण कर खबर न पाई क्या मांगू लाज न मरूं कहूं कर मेरा अंत की मार नहीं कुछ तेरा अनक जतन कर काया पाड़ी मरती मार अगन संग जाने चुआ चंदन मर्द नेंगा टूटन जने काट के संगा कैद कबीर सुनोरे दुनिया बिनसे गया रूप देखे सब दुनिया
ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪਰਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਬਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਭੇਟਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਭਰੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਭਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਰਨੇ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ? 32ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ 1900 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਔਰ 1990 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਚਤਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਚਤਲਾ ਸਥਾਨ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪੰਚਤਲਾ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੀ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ। ਜਦਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਕਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਰ ਕਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸਾਹ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ
बरसी मना रहे हैं, जिन्हां दे स्थान ते राड़ा साहब कल बरसी मनाई गई है। आपां संगत दे उपराले नाल सारियां ने रल के महाराज की याद मना रहे। मैनूं याद है जदों मैं जरग साहब सी तां संत बाबा महिंदर सिंह महाराज दसदे हुंदे सन, कहिंदे छोटे महाराज ने आप मैनू कह के बुलाना शुरू किया, कहिंदे जथेदारा तेरे तो कीर्तन कराया करांगे। कहिंदे मैं क्या महाराज मैं तो अनपढ़ा। कहिंदे नहीं अनपढ़ नहीं, तेरे तो ही कीर्तन करावांगे, तेरे तो ही राड़ा साहब का गुरुद्वारा संपूर्ण करावांगे। और करवाया साध संगत जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख तरे संसार। तां महाराज ने सारा स्थान जथेदार महाराज के नाल दीवाना ते जांदे रहे और नाल महाराज संगत नूं दर्शन देंदे रहे और संगत नूं दर्शन देने तो बाद ये दसदे रहे भी अगे रहनुमा करन जथेदार की ड्यूटी लाई है। 1976 तो महार ने बोलन लाता सी, जबकि वड्डे महाराज नाल संत बाबा कृष्ण सिंह सारी जिंदगी ला देंदे हन। और जदों महाराज संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज अखिरले टाइम वुल्फरहैम्पटन जाना चाहते हैं तो महाराज संत बाबा कृष्ण सिंह महाराज कहते हैं, कहिंदे महाराज इस बार ना जाओ अगे चले जाओ। कहिंदे नहीं कृष्ण सिंह इस बार जावांगे, मुड़ के जाण दी लोड़ नहीं पैणी। और महाराज जी नेत्रां चो हंझू हन संत कृष्ण सिंह महाराज दे, ये धुरों मेले होंदे हन। नीचे आके आपां ये नहीं कह सकते भी आपां अपने ज्ञान नाल चल रहे हैं, नहीं, जिवें गुरु चलाउंदा उवें आपां चल रहे हैं। जिन्ने महाराज दे स्थान हन गुरु का लंगर चलदा, हरी जस हुंदा, दो टाइम कीर्तन हुंदा, परमेशर दा वासा हुंदा। आपां याद करदे आं महाराज सच्चे पातशाह तेरी कृपा नाल बिरध पाणा पाया तो लाज रखी। तां महाराज 12 साल संत बाबा कृष्ण सिंह महाराज, 12 साल संत बाबा महिंदर सिंह जी तो संपूर्ण ड्यूटी कराउंदे हन कीर्तन दी। फिर महाराज हीरू साहब आके रोक देंदे हन, कहिंदे जथेदारा हुण बस कर। 12 साल योग दी सेवा लैंदे हन। 1990 विच जदों महाराज ने शरीर छड़ना तां जथेदार महाराज कलकत्ते बैठे हन। किथे अमरीक सिंह कलकत्ते वाले ने कहता, कहिंदा महाराज 5 दीवान होर दे दित्ते कलकत्ते दी संगत नूं। तां संत बाबा महिंदर सिंह जी कहिंदे, जिन्हां दी यादगार बन रही है, कहिंदे उधर साहिबां ने शरीर छड़ देना, जे आपां दीवान दित्ते कहणगे औलाद तां बाहर फिरदी है। तां अमरीक सिंह ने एक दो बार कहा, कहिंदे नहीं भाई जथेदार महाराज, कहिंदे वापस जाना जरूर है। तां महाराज वापस संत कृष्ण सिंह महाराज दी याद, जदों महाराज इत्थे पहुँचे राड़ा साहिब कोल, तां बीजे कोल पहुँचे, तां उस टाइम आवाज़ आ गई भी 5:15 ते संत बाबा कृष्ण सिंह महाराज ने शरीर छड़ दिता। और महाराज 2 दिन पहला बचन कर रहे कलकत्ते, भाई अमरीक सिंह भी महाराज दीवान ने, कहिंदे नहीं साहिबां ने शरीर छड़ना, अपना पंजाब होना जरूरी है, कल नूं लोक ये ना कहण भी औलाद बाहर फिरदी है ते पिता शरीर छड़ चुका। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां दी छतर छाया हेठ बह के आपां जीवन बतीत कर रहे हैं, नहीं तो आपां नूं कोई बहन ना देवे साध संगत। जे अपना धुरा है आपां तां बोलदे हां, बिना धुरे तो आपां गल नहीं कर सकते। तां संत कृष्ण सिंह महाराज ने जदों शरीर छड्डिया तां महाराज ने शरीर जल प्रवार होण तो बाद संत बाबा कृष्ण सिंह महाराज शरीर छड्ड गए, उन्हां दी जगह ते संत बाबा तेजा सिंह जी राड़ा साहिब बैठे। जथेदार महाराज अर्ग साहब आ चुके सन। ये पीरगू ग्रंथ दियां निशानियां हन, संत ईश्वर सिंह, संत कृष्ण सिंह और संत बाबा महेंद्र सिंह दियां तीन अकाल पुरख दियां रूहां होणगियां। उन्हां रूहां दी याद च अज आपां समां बतीत कीता। सारी संगत नूं दा धन्नवाद करदे हां। फिर कहिंदे आ महाराज कृपा करो, जिस कारण करके आपने सारा कुछ सिरे कारज कीता है, स्थान ते बैठे हां, आप जी अपने बाणी दी लाज रखना। संसार सागर ते रहिंदिआं अनेकां गलतियां हो जांदियां, कृपा करना आप दे चरणां नाल निभ जावे। सब तो वड्डी गल है निभणी। आओ हुण समाप्ति करदिआं 3:10 हो गए, 1 तों 3 रखिआ सीगा, भाई साहिब धारना पढ़ के हुण समाप्ति करनगे, उस तों बाद आप जी सारे अरदास शामिल हो के अपनी हाजरी लवा के नमस्कार करके फिर आपो अपने घरां नूं चले जाणा। चंदन हो जांदे ने चंदन को वासे ने चंदन हो जांदे ने चंदन को वासे ने।
सतपुरख जन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकी संग सुख उदरै नानक हर गुण गाओ। सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी, सुनियो मेरे मीता महिमा साधुआं दे संग दी। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता बैल खोई कोट अगहर निर्मल पै जीता। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता,
जो जो किनू अपना तिस अभय दान दीता सिंह बलाई होए गए ओ तिन नेर दखीता शर्म करते दाम आंड को ते गणित नीता कर कृपा मुहे नाम दियो नानक दास रीता सिखो शब्द प्यारो जन्म मन की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਿਬ ਜੀਓ ਸੁਣੋ ਬੇਨਤੀ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੇ ਤੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ ਖੰਭ ਬਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਸ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਵਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਓ ਕਰਵਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿ ਛਾਈ ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸ਼ਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ।
जीवन भी दे दो महाराज। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। महाराज जी बीबी जो बड़ा जड़ी महाराज जी देव बीबी जी उठ के बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु सारे महापुरशां दा सारी संगत दा गुरद्वारा साहब यादगार जथेदार महाराज जी महेंद्र सिंह जी दे स्थान दे मुख सेवादार संत बाबा मनजीत सिंह जी महाराज ते सारियां संगतां वालों बहुत बहुत धन्नवाद कीता जांदा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम सतनाम।